नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर अगर कोई ट्रेन रात में 11:55 पर स्टेशन पर आए और उसका 12:05 पर स्टेशन से डिपार्चर हो तो किस दिन की टिकट लेनी होगी। और दोस्तों साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर किस दिन की टिकट लेनी होगी और क्या कोई ऐसी ट्रेन होती भी है। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा हर डिटेल जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और दोस्तों ट्रेन टिकट को लेकर खास व्यवस्था की गई है और ट्रेन टिकट के कई नियम हैं। दोस्तों इन नियमों के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग करवाई जाती है जिनके बारे में यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई साल तक ट्रेन में यात्रा करने के बाद कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि यात्री परेशान हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में मैं अक्सर लोगों के सवालों का जवाब देते रहते हैं जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो। दोस्तों इसी तरह कुछ यात्रियों का सवाल है कि अगर उनकी ट्रेन रात में 11:55 या उसके बाद स्टेशन पर आती है और 12 बजे के बाद रवाना होती है तो उन्हें किस दिन की टिकट बुक करवानी चाहिए। तो दोस्तों इस स्थिति में ट्रेन जिस दिन आती है उसके अगले दिन ट्रेन रवाना होती है। दरअसल 12 बजने के बाद दोस्तों आप जानते ही हैं कि अगला दिन शुरू हो जाता है, इसलिए कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर उनकी ट्रेन किस दिन की है और उन्हें किस दिन का टिकट बुक करवाना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं आखिर किस दिन का टिकट बुक कराना होगा। दोस्तों अगर आप भी इस स्थिति के बारे में जानकर सोच में पड़ गए हैं तो आपको बताते हैं कि इस स्थिति में ट्रेन किस तारीख की होगी। दोस्तों इस स्थिति में ट्रेन की तारीख ट्रेन के छूटने के आधार पर तय होगी, इसलिए जिस दिन ट्रेन रवाना होगी उस दिन के आधार पर ट्रेन की टिकट बुक करनी होती है। दोस्तों इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति हो तो आप डिपार्चर के दिन के आधार पर ट्रेन टिकट बुक करें। दोस्तों इसका तर्क यह है कि शुरुआती मतलब ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर आगमन समय और तारीख कुछ भी समय सारणी में दर्ज नहीं रहता है। दोस्तों केवल ट्रेन छूटने का समय और तिथि ही दर्ज रहती है, इसलिए ट्रेन छूटने के समय की एक रूपता बीच के भी हर स्टेशन पर रखी जाती है। समय सारणी में ट्रेन का छूटने का जो समय दर्शाया गया होता है उस समय की तिथि के अनुसार बुकिंग की जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर कोई ऐसी ट्रेन है भी पूरे भारतीय रेलवे में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई ट्रेनों के साथ है जिसमें कैलेंडर के हिसाब से एक दिन पहले ट्रेन आती है और अगले दिन ट्रेन रवाना होती है। दोस्तों इसका उदाहरण दूँ अगर मैं तो नई दिल्ली से सहरसा जाने वाली ट्रेन, दोस्तों ये ट्रेन शाम 5:55 पर रवाना होती है और ये 11:55 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचती है और दोस्तों इसके बाद 12:05 पर ये ट्रेन रवाना होती है। इसलिए इस स्थिति में अगले दिन के हिसाब से मतलब डिपार्चर टाइम के हिसाब से टिकट बुक करना होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको जानकारी मिले होंगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर ऐसी स्थिति में किस दिन का ट्रेन टिकट बुक कराना चाहिए। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, दोस्तों ऐसी स्थिति में आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम के हिसाब से ट्रेन टिकट बुक कराइए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सुझाव भी दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।